हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक मधुकर। गाइस, अगर आपका बजट अगर अंडर 15,000 है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं एक ऐसा डिवाइस लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस, एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी 15,000 के अंदर, एंड 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये अभी तक का दोस्तों सबसे बेस्ट एक तरीके से डिवाइस हो सकता है। तो देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ इसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आगे दोस्तों इस डिवाइस के साथ आप किस फोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसका दोस्तों मैं कंपैरिजन भी लेकर आ जाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ट एंड डिजाइन की। गाइस, अगर डिजाइन की बात करें तो दोस्तों देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करा रहा है। बैक अगर पैनल की बात करें तो दोस्तों ये लेदर फिनिश के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको अगर बिना बैक कवर के भी अगर इसे यूज करना है तो दोस्तों स्क्रैच या दोस्तों किसी भी तरीके के दाग धब्बे इस पर ऐड नहीं होंगे। तो डिजाइन दोस्तों बहुत ही एक तरीके से प्रीमियम लग रहा है। इसी के साथ साथ अगर इसके अगर वेट की बात करें तो दोस्तों वेट हम देख लेते हैं, तो वेट जो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा 183 ग्राम दोस्तों ये वेट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर थिकनेस की बात करें तो 8.7 mm की ये आपको थिकनेस के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों काफी एक तरीके से लाइट वेटेड डिवाइस है और थिन काफी एक तरीके से डिवाइस है। तो डिजाइन एंड बिल्ट की दोस्तों अगर बात करें तो काफी एक तरीके से आपको प्रीमियम इसके अंदर मिल जाता है गाइस। और गाइस, वही हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की, तो गाइस इसमें आपको डिस्प्ले एक तरीके से काफी ज्यादा अल्टीमेट लेवल का देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस, 6.67 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस दोस्तों एक एमोलेड इसमें आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। तो नो डाउट गाइस, डिस्प्ले की आपको क्वालिटी एक तरीके से काफी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों ये YouTube पर मैंने एक वीडियो भी प्ले किया है और वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं 2K रेजोल्यूशन तक दोस्तों आप वीडियो इसमें प्ले कर सकते हैं। तो कलर गाइस नो डाउट आपको काफी एक तरीके से बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, एक तरीके से नेचुरल टाइप आपको कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको 500 निट्स का दोस्तों पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं आउटडोर कंडीशन के अंदर दोस्तों मैंने ब्राइटनेस का टेस्ट भी किया है, तो देखने से एक तरीके से नहीं लग रहा है ये 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है दोस्तों, उससे ऊपर एक तरीके से लग रहा है। तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस भी आपको एक तरीके से बेटर देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों लॉक अनलॉक करने में दोस्तों किसी भी तरीके का इशू क्रिएट नहीं हो रहा। और गाइस, वही हम बात करेंगे इसके कैमरे सेटअप की, तो गाइस इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का बैक में सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट कैमरा रियर कैमरा दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा, एंड सेकेंड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड थर्ड कैमरा दोस्तों आपको QVGA कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं डे लाइट कंडीशन की पिक्चर है, और डे लाइट के अंदर दोस्तों आपको इसका कैमरा नेचुरल टाइप देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इसके कैमरे से दोस्तों आप अल्ट्रा HD 2K वीडियो भी दोस्तों आप शूट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों 15,000 के अंदर अंदर ये फीचर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता दोस्तों कई डिवाइस के अंदर। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक वीडियो है जो कि मैंने शूट किया है, और क्लियरिटी दोस्तों आपके सामने है कि किस तरीके की आपको क्लियरिटी देखने के लिए मिल जाती है गाइस। इसी के साथ साथ ही इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा, और काफी एक तरीके से आपको नेचुरल टाइप पिक्चर्स देखने के लिए मिल जाएगी गाइस। और लो लाइट कंडीशन में आप देख सकते हैं दोस्तों ये लो लाइट कंडीशन का रिजल्ट है, तो लो लाइट कंडीशन में भी इसका रिजल्ट काफी एक तरीके से बेटर देखने के लिए मिल रहा है गाइस। और इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे के अंदर दोस्तों आपको फ्लैश देखने के लिए मिल जाता है। तो ये टेक्नो के अलावा दोस्तों कुछ ही डिवाइस है, जैसे कि इन्फिनिक्स हो गया, यही ब्रांड है जो दोस्तों आपको फ्रंट में भी फ्लैश प्रोवाइड कराते हैं। और फ्लैश में गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पिक्चर्स निकल कर आती हैं। और इसी के साथ साथ गाइस ये एक वीडियो है जो कि मैंने स्टूडियो में दोस्तों कैप्चर किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो क्लियरिटी दोस्तों आपको काफी एक तरीके से बेटर देखने के लिए मिल जाती है। और फ्रंट कैमरे के अंदर भी आपको अल्ट्रा HD 2K का दोस्तों सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ साथ ये लो लाइट कंडीशन के अंदर दोस्तों मैंने एक और वीडियो दोस्तों शूट किया है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक तरीके से अंधेरा है, और ये अभी मैंने दोस्तों फ्लैश ऑन कर दिया, और फ्लैश ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं काफी एक तरीके से अल्टीमेट दोस्तों आपको वीडियो इसमें देखने के लिए फ्रंट में मिल जाती है लो लाइट कंडीशन।
कंडीशन के अंदर। और गाइज वही हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के लिए गाइज इसके अंदर आपको MediaTek Helio G85 का दोस्तों प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो ये एक बैलेंस प्रोसेसर है, यानी कि बैलेंस लेवल पर इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके का दोस्तों आपको इश्यू क्रिएट नहीं होगा। इसी के साथ साथ LPDDR4X का रैम टाइप देखने के लिए मिल जाएगा, यानी UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक बार हम स्पीकर का गाइस टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि किस तरीके के दोस्तों हमें स्पीकर इसके अंदर मिलेंगे गाइस। तो ये साउंड है, टॉप एंड बॉटम दोस्तों दोनों ही स्पीकर से परफेक्टली साउंड आ रहा है, यानी कि बराबर साउंड आ रहा है। तो साउंड में दोस्तों किसी भी तरीके का इशू आपको क्रिएट नहीं होगा गाइस। और गाइस वही हम आ जाते हैं इसकी बैटरी पर। तो गाइस इसमें आपको 5000 mAh की दोस्तों पावरफुल बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। इजिली गाइस आपको 1 day का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों टेक्नो ने सीधा सीधा कहा है दोस्तों आपको इसमें 33 watt की दोस्तों फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो बॉक्स के अंदर आपको ओनली 18 watt का ही फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। और गाइस अब हम आ जाते हैं मेरे ओपिनियंस पे कि मेरे ओपिनियंस क्या है इस डिवाइस को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों डिजाइन इसमें आपको काफी एक तरीके से प्रीमियम लेवल का देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप इसे किसी को दिखाओगे ना कोई ये नहीं बोल सकता दोस्तों ये 15,000 का डिवाइस है। डिजाइन इसमें आपको कम से कम 25,000 से 30,000 वाला देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ गाइस सुपर एमोलेड इसमें आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 15,000 के अंदर। इसी के साथ साथ 8GB RAM 256 वाला स्टोरेज टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी एंड 33 watt की दोस्तों फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी के साथ ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो टेक्नो कहीं ना कहीं दोस्तों G85 से दोस्तों प्रोसेसर अगर थोड़ा सा बढ़ा देती तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा एक तरीके से अच्छा ऑप्शन हो जाता, यानी कि फुलफिल हो जाता दोस्तों डिवाइस। तो कैसा लगा दोस्तों ये आपको वीडियो, अगर वीडियो गाइस अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कैसा लगा दोस्तों ये आपको डिवाइस ये भी दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।